प्रायश्चित तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए द्रोण पुत्र, क्योंकि तुम्हें निःसंदेह अपने कुल को कलंकित किया है, किंतु पांडव तो जीवित हैं। जिन पांचों को तुम पांडव समझे वे पांचों तो द्रौपदी। अब मुझे आज्ञा दीजिए भीष्म, प्रायश्चित पांडव ऋषिवर के पीछे न छुप कर सामने। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। अर्जुन, अश्वत्थामा, ये वो अस्त्र है जो भूमंडल को नष्ट कर देगा। लौटा लो इस अस्त्र को। क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि ऐसी शक्तियां युद्ध के लिए नहीं होती? हे वासुदेव, तुमने भी अर्जुन को नहीं रोका। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। अर्जुन, अश्वत्थामा, लौटा लो इस अस्त्र को। जो आज्ञा ऋषिवर। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा, लौटाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे ये अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। लौटाना नहीं आता तो फिर चलाया क्यों था मूर्ख? दिशा बदल अपने अस्त्र की। क्या तू स्वयं अपने अस्त्र की शक्ति भी नहीं जानता? क्या तू यह भी नहीं जानता कि तेरी रचयिता का अस्त्र चलेगा तो फिर क्या बच सकता? क्या तू यह चाहता है कि परमपिता ब्रह्मा को किसी और भूमंडल की रचना करनी पड़े? पांच बालकों के रक्त में डूबे हुए ब्रह्मा, दिशा बदल अपने अस्त्र की। अरे मूर्ख, यदि पांडव ना है तो क्या तू निर्माण करेगा उस समाज का जिसमें मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा? क्या तेरी ये लहू भरी आंखें मानव जाति को किसी उज्जवल भविष्य का सपना दिखा सकेंगी? नहीं, इसलिए दिशा बदल अपने अर्थ की अश्वत्थामा। दिशा तो अवश्य बदल दूंगा ऋषिवर, किंतु ये चाहेगा फिर भी पांडवों की ही ओर। यदि उनका नाश नहीं कर सकता तो उनके बीज को अवश्य नष्ट कर दूंगा।
पुत्री। पुत्री दासी, राजवैद्य को बुलाओ, शीघ्र जाओ। धैर्य रखो पुत्री, हे अश्वत्थामा, तुम एक अति घिनौने व्यक्ति हो जिसका स्पर्श कीचड़ को भी मैला कर देगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा जो सदैव रिसता और दुखता रहेगा। बड़े भैया, इसके माथे से यह मणि निकाल लीजिए, क्योंकि यह मानव जाति की धरोहर है। ये मणि ले लीजिए वासुदेव। लीजिए, इसे स्वयं ही निकाल देता हूं। वासुदेव लीजिए, ये मणि स्वीकार कीजिए, किंतु अपने शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। वासुदेव मुक्त कर दीजिए। ये शाप नहीं था अश्वत्थामा कि मैं तुझे इससे मुक्त कर दूं, ये तो तेरे पापों का भुगतान है। और समाज के इस ऋण से तुझे मुक्त करने वाला मैं कौन होता हूं? अनुशंसा, ऋषिवर अनुशंसा, अनुशंसा। बड़े भैया, ये मणि ले लीजिए, मैं उत्तरा के पास भी जाऊंगा। की मृत्यु गर्भ में ही हो चुकी है महारानी जी। यदि गर्भपात न हुआ तो सूतिका का बचना असंभव हो जाएगा। जीवन के अंतिम जो तुम ही चली गई, पुत्र रो न, प्रकाश की कभी मृत्यु नहीं। अंधकार तो केवल ये समझता है कि उसने प्रकाश को निगल लिया, किंतु वो प्रकाश को कभी निगल नहीं सकता। जागो प्रिय मनुष्य।
जागो। सके जो कृपा कृष्ण की हो